Hello students, I am Param and welcome to my YouTube channel Raman Steno Classes। शन हुक का टॉपिक किया था हमने लास्ट क्लास में एंड आज ग्रामलॉग्स की क्लास करेंगे। शन हुक से रिलेटेड ही ग्रामलॉग्स डिस्कस करने हैं हमें। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा है तो आप इस क्लास को देखने से पहले प्रीवियस क्लास ज़रूर एक बार देख लें सो दैट आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ओके स्टूडेंट्स, सो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के लिए फर्स्ट ग्रामलॉग है सब्जेक्टिव। किस तरह से लिखते हैं? सब्जेक्ट हमने पढ़ा हुआ है ग्रामलॉग पहले। सब्जेक्ट लिखेंगे अगेन बी के साथ एंड वी की हुक एम्प्लॉय करेंगे इस तरह से। सब्जेक्टिव डार्क रहता है ग्रामलॉग। देन सब्जेक्शन, फिर से सब्जेक्ट लिखेंगे एंड शन की हुक एम्प्लॉय करेंगे अपोजिट साइड ऑफ सर्कल एस। ओके, डार्क रहेगा फिर से। सिग्निफिकेशन किस तरह से लिखते हैं? लास्ट जो पार्ट था ग्रामलॉग का हमने उसमें देखा था सिग्निफाई, इस तरह से हम सिग्निफाई को लिखते थे। देन सिग्निफाइड हमने देखा था, इस तरह से लिखते थे। सिग्निफिकेंट इस तरह से, सिग्निफिकेंस इस तरह से एंड आज हमने सीखा है सिग्निफिकेशन इस तरह से। ओके, ये 5 ग्रामलॉग्स हैं, याद रखने हैं आपको, इजी हैं। ओके, देन इन्फॉर्मेशन अबव द लाइन एन एंड शन की हुक एम्प्लॉय करेंगे आप एन के साथ, इसे पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन। सेटिस्फेक्शन सर्कल एस, टी के साथ एस एंड शन, सेटिस्फेक्शन। जस्टिफिकेशन इस तरह से जे के साथ एम्प्लॉय करते हैं, डार्क रहेगा। देन जनरलाइजेशन इस तरह से, ये भी डार्क ग्रामलॉग रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए ग्रामलॉग्स हैं आपके। अभी एक पैराग्राफ देखते हैं इन्हें यूज करते हुए। लॉर्ड ग्रामलॉग है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्यूले ये नाउन रहेगा आपका। नेम है, वॉज ग्रामलॉग है। ब्लेस्ड विद द इकट्ठा लिखेंगे। पोजेशन ऑफ रेयर पावर्स, ऑफ मेमोरी इकट्ठा लिख देते हैं इस तरह से। फुल स्टॉप। हिज एक्यूमुलेशन, हिज एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स वॉज इमेंस, फुल स्टॉप। ही वॉज, ही वॉज इकट्ठा लिखेंगे। ऑलमोस्ट इन ए स्टेट ऑफ सब्जेक्शन ग्रामलॉग है, अभी अभी देखा है हमने। टू हिज मेमोरी एंड द सब्जेक्टिव ग्रामलॉग एग्जामिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ग्रामलॉग है। इन हिज पोजेशन, एट एनी time would have been a revelation, even to himself, full stop. The रिटेंशन शन हुक एम्प्लॉय करेंगे, एंड रेपिटेशन रे पी ई टी एंड शन हुक ऑफ फिगर्स, इस तरह से लिखते हैं, द मैनिपुलेशन of facts in discussion, the selection and citation of authorities caused him no hesitation, full stop. He was इकट्ठा लिखेंगे, he was to have been a barrister, STR का लूप एम्प्लॉय किया है यहाँ पर हमने, but the legal profession had no fascination above the line for him, full stop. Okay students, so ये पैराग्राफ है आपका कंप्लीटेड है. आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, गुड लक.